अब ने फायरिंग की यूपीएसटीएफ के अधिकारियों के ऊपर, जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना ढेर हुआ है। अब जैसे जैसे ये खबर डेवलप होगी उसके बाद जानकारी हासिल होगी कि स्कॉर्पियो कार में अनिल दुजाना के अलावा और कौन कौन से थे उसके साथ। उसके पास हथियार तो जरूर थे क्योंकि उसने यूपीएसटीएफ के अधिकारियों पर फायरिंग की है, लेकिन मौजूद है, स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद है और यहाँ पर एक गाड़ी भी आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे कि क्या इसी गाड़ी से अनिल दुजाना भागने की कोशिश में था जब वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे कि एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, प्लानिंग कर रहा था अनिल दुजाना, और ये जानकारी यूपीएसटीएफ को लग गई थी, यूपी पुलिस को लग गई थी, जिसके बाद लगातार यूपीएसटीएफ इसके पीछे पीछे थी और ये कहां किस बदमाश से मिल रहा है, कहां मीटिंग्स कर रहा है, हर एक जानकारी यूपीएसटीएफ को थी। और आज जब इसकी घेराबंदी हुई इसी इलाके में, मेरठ का ये इलाका, जहां पर इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और ढेर हो गया। ओपी सिंह जी, लोकेशन भी हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ। जो सवाल था मेरा आपसे कि कितना मुश्किल होता इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए, किसी भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी भी गैंगस्टर का या कोई खूंखार अपराधी हो, हत्यारा हो, उन सबों को पुलिस मुठभेड़ में मारना। एक्चुअली पुलिस मुठभेड़ जो है वो जब उस पर पुलिस पर अटैक होती है तो पुलिस वाले उसके जवाब में गोली चलाते हैं। अनिल दुजाना पिछले 4-5 सालों से बहुत ही एक्टिव रहा है और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके पीछे कई दिनों से लगी हुई थी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के आधार पे, उसके रियल टाइम बेसिस पे उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए एसटीएफ को सफलता मिली होगी। और जैसा कि आपने बताया कि एक बड़े अपराध के अंजाम में बड़ा अपराध कोई करने जा रहा हो तो उसका लीड कुछ मिला होगा उत्तर प्रदेश पुलिस को और एसटीएफ को, और उसी लीड के आधार पर डॉट्स को आगे बढ़ाते हुए हमें लगता है कि ये सफलता मिली होगी। और अनिल दुजाना ऐसे भी, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कई कार्रवाइयां हुई हैं, उसके करीब 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसकी सीज की जा चुकी है और उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, तो निस्संदेह एक बहुत ही सफलतापूर्वक ये काम हुआ है। ओपी जी, एक वक्त था जब साल 2012 में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर इसको पेश करने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता था, इतनी ज्यादा रंजिश इसके दूसरे गैंगों से रहती थी। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश में गैंग राइवलरी हमेशा रहा है। अगर आप महेंद्र फौजी से लें, महेंद्र फौजी का इनकाउंटर 1994 में थे, सुंदर भाटी और ऐसे कई गैंगस्टर्स थे जो एक दूसरे से लड़ते थे, और यही कारण है कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि विटनेसेस या अक्यूज प्रोटेक्ट हो, और प्रोटेक्शन इसलिए कि उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। एक जमाना ऐसा था अनिल दुजाना को बुलेट प्रूफ जैकेट में ले जाया गया, ये बात सही है, लेकिन आज ये स्थिति है कि सारे जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी हिनस क्राइम करने वाले अपराधी हैं, वो सब या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं और यदि ओवरग्राउंड भी हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में पुलिस जो है ट्रैक करती रहती है। तो मैं समझता हूं अनिल दुजाना भी उसी प्रकार का एक अपराधी था जो आज मारा गया, और उससे उसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, उसके खिलाफ जैसे मैंने पहले कहा कि 65 से अधिक मुकदमे हैं, तो निस्संदेह उन मुकदमों का अब हश्र यही होगा कि जितने भी गैंगस्टर। ओपी सिंह जी, एक आखिरी सवाल कि अब जिस तरह से एक के बाद एक गैंगस्टर ढेर किए जा रहे हैं या फिर उन्हें लंबी बड़ी सजा हो रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, इसके पीछे क्या वजह यही है कि अब पुलिस को खुली छूट मिली है बिना किसी का पक्ष लिए हर एक बदमाश के खिलाफ एक्शन लेने की छूट है? ये देखिए, हर एक बदमाश के खिलाफ पुलिस को छूट है, छूट या आप मत कहिए, स्वतंत्र है, फेयर है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। पहले के जमाने में पॉलिटिकल तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अनिल दुजाना मार गिराया गया है एनकाउंटर में, पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर उसे कहा जाता था और 62 से भी ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे, अलग अलग मामलों में उसके ऊपर केस दर्ज थे, जिसमें 18 आपको बता दें कि हत्या के मामले दर्ज थे, और आज करीब 2:30 बजे दोपहर को उसका एनकाउंटर हुआ है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। आनंद तिवारी, एक ऐसा गैंगस्टर, एक ऐसा माफिया, जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता था तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी, 2012 में उसकी गिरफ्तारी होती है और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से लगातार कई टीमें उसकी दबिश देती हुई नजर आ रही थी, तलाशी अभियान लगातार जारी था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था वो।
जी देखिए बिल्कुल, न्यूज 18 इंडिया को जो जानकारी मिली है कि अनिल दुजाना जो है वो नेपाल भागने की फिराक में था। इसके अलावा स्कॉर्पियो गाड़ी में वो सवार था जब उसे वहां पर घेराबंदी करके ट्रैप किया गया और उसके बाद वहां पर एक इनकाउंटर हुआ जिसमें अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि उसके पास से कुछ हथियार और कार्टेजेस जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त जो क्राइम स्पॉट है वहां पर मौजूद है। फोरेंसिक टीम को वहां पर बुलाया गया है। बता दें कि अनिल दुजाना सुंदर भाटी गैंग का राइवल था, उससे सुंदर भाटी गैंग की काफी पुरानी दुश्मनी थी। AK-47 से उसने सुंदर भाटी के ऊपर हमला भी किया था जिसके दौरान सुंदर भाटी की जान बच गई थी। तो लगातार जो अनिल दुजाना था उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी करीबन 1.5 साल पहले एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया था जब वो जेल से बाहर आया था। और अभी बता रहे हैं कि वो पेरोल पर बाहर आया था जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन UPSTF की जो मेरठ यूनिट है उसे इस बात की जानकारी मिली जिसके बाद वहां पर ट्रैप लगाया गया और मेरठ में इस इनकाउंटर को जो है वो अंजाम दिया गया है। तमाम अधिकारी जो है वो इस वक्त मेरठ में मौजूद है। लखनऊ से भी पूरे इस इनकाउंटर की तमाम जानकारी जो है वो सीनियर अधिकारी जो मौके पे जो टीम थी एसटीएफ की उससे लगातार ले रहे हैं। अनिल दुजाना सर, एनकाउंटर में ढेर हो गया है सर, मेरठ में ढेर हुआ है, क्या डिटेल्स हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं, डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने UPSTF पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कॉन्टैक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना, ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध। ठीक है सर, थैंक यू सर। UPSTF के ADG अमिताभ यश को आप सुन रहे थे जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से अनिल दुजाना को मार गिराया गया। हालांकि अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे और कहां पर उसने पहली फायरिंग UPSTF के ऊपर की थी, लेकिन जाहिर तौर पर एसटीएफ के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, ऐसा अमिताभ यश का कहना है। बिल्कुल, एक के बाद एक माफियाओं को मिट्टी में तब्दील किया जा रहा है, जिस बात का जिक्र सदन में योगी आदित्यनाथ ने किया था कि उत्तर प्रदेश अब नए भारत का उत्तम प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में एक और माफिया जो कि मिट्टी में मिल चुका है, UPSTF की मेरठ विंग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अनिल दुजाना जो कि 2 तारीख को जेल से रिहा होता है, लेकिन बाकी अलग अलग मामलों को लेकर उस पर UPSTF की टीम लगातार नजर बनाए हुए थे और ऐसे में मेरठ में जब उसकी लोकेशन का पता चला तो तुरंत पूरी प्लानिंग के तहत टीम वहां पर पहुंची और इसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह का जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल पाई है? ये भी खबर है कि वो कुछ दिनों पहले ही रिहा हुआ था और अपने गवाहों को जो केसेस में गवाह थे उनको धमकाने के लिए पहुंचा था। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 18 से ज्यादा हत्या के केसेस जो है वो अनिल दुजाना पर दर्ज थे। इसी बात से अंदाजा लगाइए जब भी पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती थी तो कायदे उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर लेकर जाया जाता था, क्योंकि पुलिस भी जानती थी कि अनिल दुजाना जिस तरीके से कुख्यात अपराधी है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका गैंग चलता है, तो जाहिर तौर पर जो राइवल गैंग होंगे वो भी अनिल दुजाना को मारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में पुलिस बकायदे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर अनिल दुजाना को कोर्ट में पेश करती थी। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने कि अनिल दुजाना स्कॉर्पियो कार में सवार होकर वो मेरठ पहुंचा था। UPSTF के की जो टीम है वो पहले से ही घात लगाकर बैठी हुई थी। UPSTF की टीम को मुखबिरों के द्वारा जानकारी मिली थी, इनपुट मिली थी कि अनिल दुजाना वहां पर पहुंचने वाला है, जिसके बाद अनिल दुजाना की घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी में अनिल दुजाना को UPSTF के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि घेराबंदी हो चुकी है, लिहाजा वो अपने आप को सरेंडर करें, लेकिन अनिल दुजाना ने फायरिंग कर दिया। अब फिलहाल स्कॉर्पियो कार में अनिल दुजाना के साथ और कौन कौन से अपराधी थे, उसके पास से कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं, इस सब बारे में अभी जानकारी हासिल करनी है। फिलहाल जो UPSTF के चीफ है निकल कर सामने रखे कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना, ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध। थैंक यू।
यूपीएसटीएफ के चीफ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बाकी डिटेल्स आने वाले वक्त में दी जाएगी, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर यह बताया गया है कि कैसे अनिल दुजाना को ढेर किया गया है, कैसे वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता हुआ नजर आ रहा था। अनिल दुजाना जिस पर लगातार इनाम की राशि बढ़ाने की बात कही गई थी, नेपाल भागने की फिराक में था अनिल दुजाना, ये आपको बता दें, गवाहों को लगातार धमकी दे रहा था अनिल दुजाना, क्योंकि 18 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज थे और 60 से ज्यादा कुल मामले दर्ज थे, जिसमें वसूली, जमीन कब्जा और कब्जा छुड़वाने के लिए किस तरीके से लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता, ये तमाम ऐसे मामले थे जो कि सीधे तौर पर अनिल दुजाना पे दर्ज थे। तो देखिए इस पर 62 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, लगातार गवाहों को धमकी दे रहा था, लेकिन जानकारी क्या मिली थी यूपीएसटीएफ को, अगर आप बता पाए क्या इनपुट्स मिले थे उसकी लोकेशन को लेकर, और क्या कुछ डिटेल अभी तक इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सामने आ पाई है? देखिए, यूपी पुलिस लगातार एक मिशन पे काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाने के लिए जो भी अपराधी हैं, चाहे वो छोटे अपराधी हैं या बड़े गैंगस्टर हैं, उनकी हर गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। 1.5 साल पहले जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से जब वो जेल में था, और अभी जो जानकारी मिल रही है कि करीबन 1.5 महीने पहले ही वो जेल से जब बाहर आया था, तो उसकी तमाम गतिविधियों पे ना केवल लोकल पुलिस बल्कि एसटीएफ की पैनी नजर थी। एसटीएफ को कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो अनिल दुजाना है वो उसके खिलाफ जो लोगों ने गवाही दी है पुराने मामलों में, क्योंकि कई आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ लंबी थे कोर्ट में, तो उन लोगों को वो धमकियां दे रहा है और वो कुछ गड़बड़ी फैलाने की मंशा जो है उससे अपने जो गैंग लीडर्स हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि अनिल दुजाना जो है वो हथियारों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जाने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पहले रोकने की कोशिश की, वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं जो जैसा जानकारी मिल रही है अब तक शुरुआत में, हालांकि कुछ देर के बाद ऑफिशियल जानकारी आएगी, और वहां पर इनकाउंटर में अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सुंदर भाटी और नरेश भाटी, ये दो राइवल्स गैंग थे जिनकी काफी पुरानी दुश्मनी, और इन्होंने इनके कई शूटरों की गैंगवार में मौत हो चुकी है। तो अनिल दुजाना जो था वो नरेश भाटी गैंग से ही ताल्लुक रखता था, नरेश भाटी का एक तरीके से राइट हैंड था, नरेश भाटी की हत्या करा दी गई थी सुंदर भाटी गैंग की तरफ से, और सुंदर भाटी का जानी दुश्मन था अनिल दुजाना, जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। तो लगातार इन दोनों गैंग्स पर यूपीएसटीएफ की नजर थी, और जिस तरह से हाल में क्राइम ब्रांच ने 1.5 साल पहले जब अनिल दुजाना को गिरफ्तार किया था, उस दौरान भी ये जानकारी निकल के सामने आई थी कि वो लगातार अपने गैंग मेंबर पर अटैक कर सकता है या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर सकता है। जो हथियार गाड़ी से मिले हैं वो इस बात का सबूत है कि जेल से बाहर आने के बाद जो जानकारी मिल रही है कि जमानत पर वो बाहर आया था, उसके बाद भी लगातार वो अपराध की दुनिया में सक्रिय था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके चलते ही यूपीएसटीएफ ने एक पूरा ये एक प्लान बनाया कि किस तरह से उसे रोका जाए। और वहाँ पर गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था, 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं, इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं, डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपीएसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कॉन्टैक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना, ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध। थैंक यू। तो शुरुआती तौर पर यूपीएसटीएफ की तरफ से यह कहा गया है कि अनिल दुजाना जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर था, 18 हत्या के मामले दर्ज थे, 62 से ज्यादा उस पर मामले दर्ज थे, और ऐसे में जेल में रहकर, क्योंकि 2012 में जेल की सलाखों के पीछे रहा और जेल में रहकर ही अपने गैंग को पूरी तरीके से चलाता था, लेकिन अब पूरी योजना के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या था उसका मकसद, क्या प्लानिंग थी, इस पर अभी यूपीएसटीएफ की तरफ से और डिटेल्स दी जाएगी कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल अनिल दुजाना जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का खौफ था, अब वो ढेर किया जा चुका है, स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको ढेर किया जा चुका है, जो कि अपने साथियों के साथ कहीं जाने की फिराक में था। हालांकि उस गाड़ी से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक और माफिया जो कि मिट्टी में तब्दील किया जा चुका है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। और देखिए इस वक्त वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर के बाद की ये पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है। गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में, और उसके बाद की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस मुठभेड़ के एनकाउंटर के बाद की ये पहली तस्वीर जो सामने आई है वो न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहे हैं। अनिल दुजाना जो की कुख्यात था, गैंगस्टर था, उसे ढेर कर दिया गया है। आप सोचिए 18 से ज्यादा उस पर हत्या के मामले दर्ज थे। किस तरीके से उसका खौफ था कि जब वो जेल से कुछ दिन पहले छूटा भी तो उसके बाद भी अपने केस के जो गवाह थे उनको जाकर वो धमकी दे रहा था। इस डेढ़ महीने के बीच में ही उसने लगातार प्लानिंग भी कर ली थी। सत्रह के बाद